लास्ट टर्म पे आप लोगों को LUB प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी। LUB प्रॉपर्टीज़ का हाफ हो गया था। LUB प्रॉपर्टीज़ में आपसे कहा गया था कि किसी मान ली कोई थ्योरम है हमारा, इस थ्योरम में हमसे कहा गया था कि S हमारा R का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है। S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। एस आर का नॉन एम्प्टी सबसेट है। तब कहा गया था कि यू जो कि आर में पाया जाता है एस का सुप्रीमम तब कहलाएगा जब वो लिखी गई फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। पहली प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया था एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। दूसरी प्रॉपर्टी में कहा गया था फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंग्स टू एस सच दैट यू माइनस एप्साइलन लेस देन एक्स वन। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई थी और कहा गया था कि पहले केस में हम ये मान लेंगे कि यू एस का सुप्रीमम है और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। सेकेंड कंडीशन में हम मान लेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तब U हमारा सुप्रीमम है। सुप्रीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब एक तो वो अपर बाउंड होगा, दूसरा वो उन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा होगा, दैट इज लीस्ट होगा। ये कंडीशंस आपको दी गई थी। अब देखिए, फर्स्ट केस में हमने ये प्रूफ कर दिया था कि U सुप्रीमम है और ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करा के हमने दिखा दिया था कि दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में हम मान लेंगे कि हमारे थ्योरम की दी गई ये ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हमको दिखाना होगा U इज द सुप्रीमम ऑफ S। U इज द सुप्रीमम ऑफ S का मतलब U इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब पहली चीज़ ये दिखानी होगी x इज लेस देन और इक्वल टू यू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, दैट इज u अपर बाउंड है। अपर बाउंड है मतलब u s में आए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा और बराबर है। दूसरा हमको दिखाना होगा कि u लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट है मतलब अगर हम लोग कोई दूसरा अपर बाउंड b लेकर के चलें तो u छोटा है, दैट इज़ u इज लेस देन और इक्वल टू b, वेयर b इज एनी अपर बाउंड ऑफ s। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अब हमको दिखानी होगी। जैसे ही ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी, इनको कंबाइंड करते ही हम कहेंगे u इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s, दैट इज़ u इज़ द सुप्रीमम ऑफ s। तो अब हमारे सेकंड पार्ट के इस थ्योरम में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है और हमको दिखाना होगा U इज द सुप्रीमम ऑफ S। लिखिए इसमें थोड़ा सा, लिखिए कन्वर्सली लेट अस कंसीडर The above two properties of the given theorem, is satisfied. नीचे से लिखिए then. We have to prove that U is the supremum of S. Full stop. अब U is the supremum of S के लिए we have to show these two properties. If we will prove these two properties, then it must be prove that U is the supremum of S. अब इन दोनों properties को हमको दिखाना होगा। लिखिए line change करके, from the given first condition of the given theorem,
फ्रॉम द गिवन फर्स्ट कंडीशन ऑफ द गिवन थ्योरम फ्रॉम द गिवन फर्स्ट कंडीशन ऑफ द गिवन थ्योरम इट इज क्लियर दैट ये लिखिए x is less than or equal to u for every x belongs to s. x is less than or equal to u for every x belongs to s. x is less than or equal to u for every x belongs to s. नीचे से लिखिए which shows that u is the upper bound of s. Which shows that u is the upper bound of s. Which shows that u is the upper bound of s. हमने पहली प्रॉपर्टी दिखा दी, ये दिखा दिया कि u is the upper bound of s. अब हमको दूसरी प्रॉपर्टी को दिखाना है. दूसरी प्रॉपर्टी को दिखाने का मतलब हमको ये दिखाना होगा कि u is the least upper bound of s. मतलब सारे के सारे अपर बाउंड्स में u सबसे छोटा है. तो इसके लिए वही पुराना प्रोसीजर करेंगे. क्या मान लेंगे b R में पाया जाने वाला s का कोई दूसरा अपर बाउंड है. b इज एनी अपर बाउंड ऑफ s. b s का कोई दूसरा अपर बाउंड है तो हमको दिखाना होगा कि b लीस्ट है, मतलब कि b सबसे छोटा है. ठीक है, लिखिए इसके लिए लाइन चेंज करके लिखिए इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर स्मॉल बी is any upper bound of the set S. Is any upper bound of the set S. Is any upper bound of the set S. Then we have to prove that. तो हमको शो क्या करना है कि u उस सब में सबसे लीस्ट होगा. That is u is less than or equal to b. Then we have to show that u is the least upper bound of s. U is the least upper bound of s. That is u is less than or equal to b. That is u is less than or equal to b. ये शो करना है. आपको पता है कि ऐसे सभी कंडीशंस में हम लोग कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड का यूज़ करते हैं. अगर हमको ये शो करना है कि u is less than or equal to b, तो आप ठीक इसका उल्टा मान लीजिए u does not equal or less than b. तो अगर लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी कहता है कि u b से छोटा और बराबर नहीं है, दैट मीन्स u is always greater than b. लिखिए नीचे से लिखिए इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर यू डज नॉट लेस और इक्वल टू बी. इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर यू does not less than or equal to b. u b से छोटा और बराबर नहीं है.
ठीक है, तो लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहेगा कि अगर ये छोटा और बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज यू इज ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज यू इज ग्रेटर देन बी, यू इज ग्रेटर देन बी। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज यू माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, यू माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज यू माइनस बी इज इक्वल टू एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो। हमने मान लिया कि यू माइनस बी एप्साइलन के बराबर है तो वो भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। उतारिए इतना। हो गया भाई। अब देखिए, कंडीशन टू हमको दिया गया है कि फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंग्स टू एस सच दैट, ये कंडीशन। नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज दैट यू माइनस बी इज इक्वल टू एप्साइलन, दिस इम्प्लाइज दैट यू माइनस एप्साइलन इज इक्वल टू बी, यू माइनस एप्साइलन इज इक्वल टू बी। नीचे से लिखिए, फ्रॉम कंडीशन टू ऑफ गिवन थ्योरम, फ्रॉम कंडीशन टू of given theorem, from condition 2 of given theorem, it is clear that for every epsilon greater than 0 there exists x1 belongs to S such that U माइनस एप्साइलन लेस देन X1, सच दैट U माइनस एप्साइलन लेस देन X1। ये आपको सेकेंड कंडीशन में दिया गया है। दिस इम्प्लाइज दैट U माइनस एप्साइलन की वैल्यू है B, यहाँ पे B रखेंगे तो मिलेगा B लेस देन X1, B लेस देन X1। लिखिए इतना। देखिए, फर्स्ट कंडीशन में आपने कहा था कि यू अगर अपर बाउंड होगा तो एस में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा और बराबर होगा। यहाँ पे अगर देखें तो हमने शुरू में ही कहा था बी इज द अपर बाउंड ऑफ एस। अगर बी एस का अपर बाउंड है तो बी एस में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा और बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है कि बी अगर एक्स वन से छोटा है तो बी एक्स वन से बड़ा और बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर बी को अपर बाउंड बनना है तो बी को एस के सारे एलिमेंट से बड़ा और बराबर होना चाहिए, लेकिन बी एस के किसी एक एलिमेंट से बड़ा और बराबर नहीं हो रहा है। बी एस के किसी एलिमेंट से बड़ा और बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी एस का अपर बाउंड नहीं है। लिखिए यहां तक, फिर इसके नीचे से लिखिए।
लिखिए, विच शोज दैट बी इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ एस. विच शोज दैट बी इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ एस. फिर नीचे से लिखिए, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन कॉमा सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. विच इज कॉन्ट्राडिक्शन कॉमा सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. Hence, U is less than or equal to B. That is, U is the least upper bound of S. That is, U is the least upper bound of S. नीचे से लिखिए, hence supremum of S is equal to U. Supremum of S is equal to U. ये दोनों प्रॉपर्टी में से एक आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगी. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ के जाइएगा. एक प्रूफ इसका आपको मिलता है, चाहे LUB मिले चाहे GLB मिले, एक प्रॉपर्टी आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हेडलाइन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कम्प्लीटनेस का क्या मतलब है, अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कम्प्लीटनेस का क्या मतलब है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है या नहीं, लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है या नहीं. 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन एडजस्ट आपका एग्जामिनेशन में होता है. ठीक है, हेडलाइन डालिए कंप्लीटनेस. इसके बाद नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस. कंप्लीटनेस With respect to lower boundedness, completeness with respect to lower boundedness. Completeness with respect to lower boundedness. देखिए, मान लीजिए एक्स कोई भी सेट ऑफ नंबर्स है और एस उसका कोई सबसेट है, तो हम लोग कहते हैं कि एस लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में, एस लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा तब जब इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे इन एक्स. क्या कहा गया कि ये लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा जब इसका लोअर बाउंड या इसका इन्फीमम, लोअर बाउंड या इन्फीमम एक्स में एग्जिस्ट करने लग जाएगा. जब एक्स में एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारा लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट कहलाएगा. लिखिए, आ सेट कैपिटल एक्स ऑफ नंबर्स, आ सेट कैपिटल एक्स ऑफ नंबर्स, आ सेट कैपिटल एक्स ऑफ नंबर्स is said to be complete
इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस, इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस, इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस, इफ, एक शब्द को अंडरलाइन करिएगा, इफ एवरी मतलब एक्स के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सारों के सारों का इन्फिमम एक्स में बिलोंग करने लग जाए, मतलब मान लीजिए हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी आर्बिटेरी सबसेट लेंगे, अगर आर्बिटेरी सबसेट का इन्फिमम या इन्फिमम एक्स में एग्जिस्ट करेगा तो आर्बिटेरी का एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एक्स के जितने सारे सबसेट्स होंगे उन सब का एग्जिस्ट करेगा। क्या कहें, एक्स का कोई आर्बिटेरी सबसेट लेंगे, आर्बिटेरी सबसेट एस लेंगे, अगर आर्बिटेरी सबसेट का इन्फिमम एक्स में एग्जिस्ट करेगा तो सारे के सारे का इन्फिमम एक्स में एग्जिस्ट करेगा, और जब एस के एक्स के सारे सबसेट का इन्फिमम एक्स में एग्जिस्ट करेगा तभी एक्स लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट कहलाएगा। ये बात इसमें ध्यान रखिएगा कि इफ वी हैव टू प्रूव अ सेट टू बी कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू आइदर लोअर बाउंडेडनेस और अपर बाउंडेडनेस, वी शुड हैव टू टेक फॉर एवरी सबसेट ऑफ एक्स। अगर आपको एक्स को कंप्लीट दिखाना है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस या विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, उस केस में आपको एक्स के सारे सबसेट्स को लोअर बाउंड या अपर बाउंड एक्स में एग्जिस्ट दिखाना पड़ेगा। इस शब्द पे बहुत फोकस्ड करिएगा, ऑल या एवरी, ये इस टॉपिक की कंपलसरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि एक्स में 50 सबसेट है तो 49 तो अपना इन्फिमम या सुप्रीमम एक्स में रख रहे हैं, एक नहीं रख रहा तो भी वो कंप्लीट हो गया। सारे के सारे सबसेट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी तब तो ठीक है, किसी एक के लिए भी होल्ड नहीं हुई तो उस केस में वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा। ठीक है, लिखिए, आ सेट कैपिटल एक्स ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी कंप्लीट, इज सेड टू बी कंप्लीट इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस, हो गया यहां तक ना, इफ इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स विच इज बाउंडेड बिलो, which is bounded below, which is bounded below has its infimum in capital X, has its infimum in capital X, has its infimum in capital X. Has its infimum in capital X. Next headline डालिए, completeness with respect to upper boundedness. Completeness with respect to upper boundedness. Completeness with respect to upper boundedness. देखिए अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में होगा तो वही चीज़ मान लेंगे, एक्स हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एस उसका कोई भी आर्बिटेरी सबसेट है, अगर इसका आर्बिटेरी सबसेट जो कि बाउंडेड अबव हो, बाउंडेड अबव होने का मतलब अपर बाउंड रखता हो,
अगर उसका अपर बाउंड दैट इज सुप्रीमम एक्स में एग्जिस्ट करने लगे, तो उस केस में सारे के सारे सबसेट्स जो कि बाउंडेड अबव होंगे उन सबका सुप्रीमम एक्स में एग्जिस्ट करेगा। आर्बिटेरी का एग्जिस्ट किया तो सारे के सारे का एग्जिस्ट करेगा। जब सारे के सारे का सुप्रीमम एक्स में एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में हम लोग एक्स को कंप्लीट बताएंगे विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। एक शब्द पे और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने कहा था कि एस बाउंडेड बिलो हो, यहाँ पे हमने कहा है एस बाउंडेड अबव हो। बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो होगा तभी तो उसका इन्फीमम या सुप्रीमम मिलेगा। तो दो चीज़ इसमें रिक्वायर्ड हो गई, एक तो फॉर एवरी सबसेट के लिए कंडीशन हो, दूसरी बात उसका वो सबसेट बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबव होना चाहिए। बाउंडेड बिलो होगा तभी उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड अबव होगा तभी उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप चेक करोगे कि वो एक्स में है या नहीं। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप ये चीज़ कैसे चेक करोगे कि एक्स में है या नहीं। तो दो कंडीशन रिक्वायर्ड हो गई, एक तो आर्बिटेरी सबसेट या फॉर एवरी सबसेट होगा, दूसरा वो सबसेट बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो होना चाहिए। ठीक है, लिखिए इस बात को, लिखिए लेट कैपिटल एक्स, लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेट ऑफ नंबर्स, लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेट ऑफ नंबर्स, देन कैपिटल एक्स, देन कैपिटल एक्स इज सेट टू बी कंप्लीट, इज सेट टू बी कंप्लीट इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडेडनेस, इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडेडनेस इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, ऑफ कैपिटल एक्स विच इज बाउंडेड अबव, विच इज बाउंडेड अबव हैज इट्स सुप्रीमम, हैज इट्स सुप्रीमम इन कैपिटल एक्स, हैज इट्स सुप्रीमम इन कैपिटल एक्स। ठीक है, थ्योरम्स लिखिए। अब इस थ्योरम में हम देखेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें या सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें तो कौन सा सेट अपर बाउंडेडनेस और लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। ठीक है, थ्योरम लिखिए, लिखिए प्रूफ दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्रूफ दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमने ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on। देखिए, इस केस में हम लोग क्या करेंगे,
जो भी इसका सबसेट बनाएंगे, मान ले रहे एक सबसेट ये बना रहे हैं, एक सबसेट ये बना रहे हैं, एक सबसेट यहाँ से बना रहे हैं, जो भी इसके सबसेट डिफाइन करेंगे, चूंकि सबसेट्स को बाउंडेड बिलो या बाउंडेड बिलो होना ज़रूरी है, तो जाहिर सी बात है अगर ये सबसेट बाउंडेड बिलो होगा तो इन सारे के सारे सबसेट्स का लोअर बाउंड ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमने एक सबसेट ले लिया इसका 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं इसमें सबसे छोटा मेंबर पाया जा रहा है, सबसे छोटा मेंबर पाया जा रहा है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी मेंबर अगर इस सेट में आने वाले मेंबर से छोटा या बराबर है तो ये हमारा इन्फिमम सुप्रीमम कहलाएगा, इन्फिमम कहलाएगा। ठीक है, अगर आप नोटिस करें हमने एस एक सबसेट ले लिया जो कि ऐसा दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक मेंबर 1 है जो इसमें आए जाने वाले सारे मेंबर से छोटा या बराबर है, दैट मीन्स इट इज़ द इन्फिमम ऑफ दैट सेट। ठीक है, ये इन्फिमम ऑफ दैट सेट मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये इसका लोअर बाउंड है क्योंकि ये इसमें पाए जाने वाले सारे मेंबर से छोटा या बराबर है। अब ये मेंबर n में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये मेंबर n में एग्जिस्ट कर रहा है तो n हमारा कंप्लीट कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। चूंकि ये आर्बिटेरी सबसेट था तो इस तरह के जितने भी सबसेट्स मिलेंगे उसमें कोई ना कोई एक मेंबर सबसे छोटा होगा, उस छोटे से एक छोटा हम n में ले लेंगे तो वो इसके लिए इन्फिमम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब की हमने सबसेट ले लिया 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, इस केस में अगर आप देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का 3, 2, 1 ये तीन मेंबर ऐसे हैं जो इसमें पाए जाने वाले सारे मेंबर से छोटे या बराबर हैं, तो ये भी इसका इन्फिमम कहलाएगा, ये भी इन्फिमम कहलाएगा, ये भी इन्फिमम कहलाएगा, मतलब ये सेट हमारा बाउंडेड बिलो है, इसके इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं। चूंकि ये इन्फिमम एन के ही मेंबर्स हैं तो इस केस में हमारा एन कंप्लीट कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। तो हमने क्या किया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के आर्बिटेरी सबसेट्स को देखा, आर्बिटेरी सबसेट्स ये ऐसे थे जिनका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा था, लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा था वो भी एन में पाया जा रहा था, मतलब एन के जो सबसेट्स लिए गए एक तो वो आर्बिटेरी हैं, दूसरे वो बाउंडेड बिलो हैं। एन के जो सबसेट्स लिए गए एक तो वो आर्बिटेरी है और दूसरे वो बाउंडेड बिलो है। आर्बिटेरी होने का मतलब कोई भी कंडीशन अगर आर्बिटेरी के साथ होल्ड होगी तो सबके साथ होल्ड होगी, और बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो होने का मतलब ये हो गया कि इनके लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। चूंकि ये लोअर बाउंड वापस से एन के ही मेंबर बन रहे हैं, दैट मीन्स एन इज़ कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जब भी एन के सबसेट्स लेंगे तो वो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब एक तो आर्बिटेरी होने चाहिए और दूसरा वो बाउंडेड बिलो होने चाहिए, मतलब आर्बिटेरी सबसेट्स जो बाउंडेड बिलो था उसका लोअर बाउंड एन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके सारे के सारे सबसेट्स जो बाउंडेड बिलो होंगे उनका भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो इस केस में हमारा एन कंप्लीट कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, पहला तो आर्बिटेरी होना चाहिए, दूसरा वो सेट बाउंडेड बिलो होना चाहिए, मतलब आप हमसे ये नहीं कह सकते कि मैम हम ये भी तो एक सबसेट ले सकते हैं जिसका यहां पे लोअर बाउंड नहीं एग्जिस्ट, मतलब 10, चलिए अभी इसके आगे वाले में समझाएंगे, इसमें तो लोअर बाउंड मिलेगा ही मिलेगा, मतलब अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो आप ये भी तो कह सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मैम हमने ये सेट ले लिया, अगर ये सेट लेंगे तो 0 से छोटा एक मेंबर मिलेगा, उससे छोटा एक मेंबर मिलेगा, उससे छोटा एक मेंबर मिलेगा, तो हमको ये नहीं पता कि इसका लोअर बाउंड कौन है। ठीक है, तो उस केस में सर सेट बाउंडेड बिलो नहीं कहलाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए आपको जो सेट लेना है वो लो बाउंडेड बिलो होना चाहिए, बाउंडेड बिलो होने का मतलब उसका लोअर बाउंड आपको दिखना चाहिए, अगर इस सेट को हम बोले कि ये बाउंडेड बिलो है तो मेरी सोच गलत होगी,
क्योंकि इसका लोअर बाउंड क्या है वो आपको नहीं दिख रहा है। जैसे इन्होंने कहा जीरो होगा, अगले ने कहा माइनस वन होगा, उसके अगले ने कहा माइनस टू होगा, उसके अगले ने कहा माइनस थ्री होगा, फिर किसी ने कहा माइनस फोर, तो सबके नज़र में लोअर बाउंड अलग अलग है। कोई हमको ये नहीं बता पाया कि एक्चुअली में इसका लोअर बाउंड क्या है, तो ये सेट बाउंडेड बिलो नहीं कहलाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि सेट बाउंडेड बिलो है तो उसका लोअर बाउंड दिखना चाहिए। अब इस सेट का लोअर बाउंड आपको दिख रहा है जो कि क्या है, ज़ीरो है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक तो सेट आर्बिटेरी होना चाहिए, दूसरा सेट बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबव होना चाहिए। वो आपको दिखना चाहिए, मतलब उसका लोअर बाउंड आप बताने में सक्षम हो या उसका अपर बाउंड आप बताने में सक्षम हो। ठीक है, लिखिए इसमें, सिंस एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, सिंस एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल एस, कैपिटल एस ऑफ कैपिटल एन, सिंस एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल एस ऑफ कैपिटल एन which is bounded below will always start from some natural number, will always start from some natural number a belongs to n, will always start from some natural number a belongs to n, and the collection of all the lower bounds of set S will be the set। देखिए, जैसे हमने n का कोई सबसेट ये ले लिया, इस सबसेट में आप देख रहे हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 4। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या लिखवाया कि मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका हमने कोई भी सबसेट लिया तो वो सबसेट कैसा होना चाहिए, बाउंडेड बिलो। अगर वो सबसेट बाउंडेड बिलो है तो वो किसी ना किसी मेंबर से ज़रूर अपनी शुरुआत करेगा। यहाँ पे वो मेंबर किस मेंबर से अपनी शुरुआत कर रहा है, 4। हमने उस मेंबर को नाम दे दिया ए का। आगे हमने कहा कि अगर हम इस सबसेट के लोअर बाउंड्स को लिखेंगे तो इस सबसेट के लोअर बाउंड्स क्या क्या आएंगे, 1, 2, 3 और 4। मतलब किसी भी सेट के लोअर बाउंड्स वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं जो ए के या तो बराबर होते हैं या उनसे छोटे होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, उसका हमने एक सबसेट ले लिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, हमने उसका एक सबसेट एस ले लिया जो कि बाउंडेड बिलो था। बाउंडेड बिलो होने का मतलब ये हो गया कि वो हमेशा एक मेंबर से अपनी शुरुआत करेगा। उस मेंबर को हमने नाम दे दिया ए का। तो अब इस सबसेट के हम लोअर बाउंड्स लिखेंगे तो हमको मिलेगा 1, 2, 3 and 4। 1, 2, 3 and 4 आर दैट नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो किसी भी सबसेट का जो लोअर बाउंड का कलेक्शन होता है वो उन सारे नेचुरल नंबर्स को लिखेगा विच इज़ लेस देन और इक्वल टू ए। इज इट क्लियर? लिखिए, विल बी द सेट, ये लिखिए, ये
x is such that x belongs to n, x is less than or equal to a. नीचे से लिखिए, hence infimum of s is equal to small a. Hence infimum of s is equal to small a, which is an element of capital L. Which is an element of capital N. Which is an element of capital N. Which is an element of capital N. नीचे से लिखिए, Thus capital N satisfied the definition of Thus capital N satisfied the definition of completeness with respect to lower boundedness and hence the set capital N is complete, and hence the set capital N is complete with respect to lower boundedness, and hence the set capital N is complete with respect to lower boundedness. नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस. प्रूफ दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस. Prove that the set of natural number is complete with respect to upper boundedness. देखिए, इसको भी वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे हमने पीछे वाले को किया है, समझिएगा. अब इसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हम एग्जैक्ट क्या कहना चाह रहे थे. जैसे ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. इसका हमको कोई सबसेट लेना है S. जैसे अभी हमने पीछे लिया था, हम यहाँ से एक सबसेट शुरू कर दे रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 and so on. ये हमने इसका कोई सबसेट ले लिया. अच्छा, अब इस सबसेट की दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए. एक तो ये आर्बिटेरी होना चाहिए और दूसरा ये बाउंडेड अबव होना चाहिए. एक तो ये आर्बिटेरी होना चाहिए और दूसरा ये बाउंडेड अबव होना चाहिए. देखिए अब इस चीज़ को, आर्बिटेरी तो ये है क्योंकि भाई हमने अपनी इच्छा से लिया है, लेकिन जब दूसरे चीज़ की बात करेंगे, बाउंडेड अबव है या नहीं ये चेक करेंगे, तो उस सेंस में देखिए, अगर ये बाउंडेड अबव होगा तो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए. अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब ये सेट किसी ना किसी एक डेफिनेट नंबर पे ख़त्म होना चाहिए. लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि डॉट 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 होने की वजह से ये एक डेफिनेट नंबर पे नहीं ख़त्म हो रहा है, बल्कि टेंड्स कर रहा है इनफाइनाइट पे. तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर इसको बाउंडेड अबव होना है तो एक डेफिनेट नंबर पे इसको ख़त्म होना चाहिए. मतलब ये दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना होगा तो इसको एक डेफिनेट नंबर पे ख़त्म होना पड़ेगा. मान ले रहे हैं वो हम डेफिनेट नंबर 10 है. इसी 10 को अब हम लोग ए मान लेंगे, ठीक है. इसी डेफिनेट नंबर को अब हम लोग ए मान लेंगे. इसी डेफिनेट नंबर को अब हम लोग ए मान लेंगे. तो हमारा जो सबसेट मिला 9, 10, अब हमारा ये
एक सेकेंड, ठीक है। अब हमारा जो सबसेट है वो 2 से लेकर के 10 तक है, इसको हमने S मान लिया। हमने क्या देखा कि ये हमारा एक आर्बिटेरी सबसेट है जो कि बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव होने का मतलब ये तो समझ में आ गया कि उस सबसेट में डैश 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 नहीं होगा, वो किसी एक डेफिनेट नंबर पे ख़त्म होगा। हमने उस डेफिनेट नंबर को A मान लिया। अब आप देख सकते हैं कि 10 से बड़े सारे के सारे एलिमेंट इसके लिए अपर बाउंड्स कहलाएंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? अपर बाउंड। तो अगर हम उनका कलेक्शन लिखें तो हम कहेंगे कि अपर बाउंड्स में वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं जो 10 से बड़े या उसके बराबर होते हैं। हम लोग क्या कहेंगे कि अपर बाउंड्स के कलेक्शन में वो n के सारे मेंबर आएंगे जो 10 मतलब a से बड़े या बराबर होंगे। ये अपर बाउंड्स का कलेक्शन है। तो इस केस में जो हमारा सुप्रीमम होगा वो किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा या a के बराबर होगा। a के बराबर होने का मतलब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेंबर है। तो हमने क्या देखा कि n का हमने कोई आर्बिटेरी सबसेट लिया, आर्बिटेरी में हमने यहाँ डैश 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 किया था, आपने कहा वो बाउंडेड अबव होना चाहिए। बाउंडेड अबव होना चाहिए मतलब उसका यहाँ पे किसी एक डेफिनेट वैल्यू पे ख़त्म होना चाहिए। वो डेफिनेट वैल्यू हमने 10 ली, उसको हमने a माना। तो a के बराबर या a से बड़े सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अपर बाउंड्स कहलाएंगे, मतलब उसके कलेक्शन में वो सारे के सारे नंबर्स आएंगे जो a से बड़े या बराबर होंगे। ऐसे केस में हम कहते हैं कि सुप्रीमम ऑफ s a के बराबर होगा। जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर है, चूँकि आर्बिटेरी सबसेट जो कि बाउंडेड अबव था उसका सुप्रीमम n में एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाकी के सारे सबसेट्स जो कि बाउंडेड अबव होंगे उनका सुप्रीमम भी n में एग्जिस्ट करेगा। इस केस में हम लोग कहेंगे कि सेट हमारा कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। ठीक, लिखिए अब इस चीज़ को, लिखिए since every non empty subset capital S of capital N which is bounded above will always end at some natural number small a belongs to capital N, at some natural number small a belongs to capital N and the collection of all upper bound and the collection of all upper bounds of the set S and the collection of all upper bounds of the set S will be the set ये लिखिए x is such that x belongs to capital N semicolon x is greater than or equal to a नीचे से लिखिए hence supremum of capital S is equal to a hence supremum of capital S is equal to a hence supremum of capital S is equal to a which is an element of capital N capital N मतलब set of natural number which is an element of capital N
नीचे से लिखिए, दस कैपिटल एन सेटिस्फाइड द डेफिनेशन ऑफ, दस कैपिटल एन सेटिस्फाइड द डेफिनेशन ऑफ, दस कैपिटल एन सेटिस्फाइड द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस एंड हेंस द सेट कैपिटल एन इज कंप्लीट, एंड हेंस द सेट कैपिटल एन इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, एंड हेंस द सेट कैपिटल एन इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू द अपर बाउंडेडनेस. नेक्स्ट एक थ्योरम लिखिए, ये प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट द सेट कैपिटल जेड, प्रूफ दैट द सेट कैपिटल जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, of all integers, of all integers is complete with respect to lower boundedness, is complete with respect to lower boundedness, is complete with respect to lower boundedness. देखिए फिर वही चीज, जैसे आप सेट ऑफ इंटीजर्स लेंगे, मान ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स है जीरो, इधर की तरफ वन टू थ्री एंड सो ऑन, इधर की साइड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन, इसका कोई भी सबसेट लेंगे, मान ले रहे हैं एस कोई भी इसका सबसेट है जो है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड सो ऑन, ये हमने इसका कोई भी आर्बिटेरी सबसेट ले लिया. बट इसके साथ एक प्रॉपर्टी और अटैच होती है कि ये आपका बाउंडेड बिलो होना चाहिए. बाउंडेड बिलो होने का मतलब इसकी स्टार्टिंग किसी ना किसी एक डेफिनेट नंबर से होनी चाहिए. अगर आप यहाँ देखें तो इसकी स्टार्टिंग डेफिनेट नंबर से नहीं हो रही है बल्कि डॉट 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 लगा हुआ है. दैट मीन्स हमको ये नहीं पता कि इसका स्टार्टिंग ओरिजिनेशन क्या है. तो अगर इसको बाउंडेड बिलो होना है देन यू शुड हैव टू डिसाइड ओरिजिनेशन ऑफ एस. तो ओरिजिनेशन बनाने के लिए हम इसका ओरिजिनेशन मान ले रहे यही है और डैश 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 इधर बना दे रहे हैं, मान लीजिए ये हो गया. तो इस कंप्लीट इसका केस में आप देखेंगे कि माइनस थ्री इसका ओरिजिनेशन है, मतलब ये यहाँ से शुरू हो रहा है, दैट इज सेट इज बाउंडेड बिलो. अगर अब आप बात करें तो हमारा माइनस थ्री से यहाँ तक का सेट एस हो गया जो कि बाउंडेड बिलो है. तो अब आप नोटिस करें तो इस केस में माइनस थ्री के इधर के सारे एलिमेंट, मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट जो माइनस थ्री से बराबर और छोटे हैं, इसके लिए लोअर बाउंड्स का काम करेंगे. दैट मीन्स अगर हम लोअर बाउंड का कलेक्शन लें तो उसमें माइनस फोर आएगा, माइनस फाइव आएगा, माइनस सिक्स आएगा, माइनस सेवन आएगा, माइनस एट आएगा, माइनस नाइन आएगा, माइनस टेन आएगा, मतलब वो सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे जो कि ए मतलब थ्री से छोटे या बराबर होंगे. ये आपका कलेक्शन हो गया लोअर बाउंड्स का.
ठीक है, जिसमें आपका सुप्रीमम आप निकालेंगे, सॉरी इन्फीमम आप निकालेंगे, मतलब लीस्ट अपर बाउंड आप निकालेंगे, तो वो आपका ए के बराबर है, जो कि ऑब्वियसली सेट ऑफ इंटीजर्स में है। चूँकि आर्बिटेरी सबसेट जो कि बाउंडेड बिलो था उसका इन्फीमम जेड में पाया गया, तो सारे के सारे सबसेट्स जो बाउंडेड बिलो होंगे उनका इन्फीमम भी जेड में पाया जाएगा, और इस केस में हमारा सेट जेड कंप्लीट कहराएगा विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। ठीक है, लिखिए प्रूफ में लिखिए, सिंस एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल एस ऑफ कैपिटल जेड विच इज बाउंडेड बिलो will always start from some integer small a, then the collection of all the lower bound of the set S will be ये लिखिए, x is such that x belongs to z, x is less than or equal to a। फिर नीचे से लिखिए, since the greatest element मतलब इन्फीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सारे के सारे लोअर बाउंड है जिसमें सबसे बड़ा कौन है, 3। ठीक है, since the greatest element of this set S will be small a belongs to z, नीचे से लिखिए, therefore infimum of s is equal to small a। फिर नीचे से लिखिए, thus z satisfies the definition of completeness with respect to lower boundedness, completeness with respect to lower boundedness, full stop, hence the set of integer z is complete with respect to lower boundedness, Is complete with respect to lower boundedness.
नेक्स्ट थ्योरम आप खुद करिएगा, अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट दिखाना है, लिखिए होमवर्क में अपना। प्रूफ दैट द सेट कैपिटल जेड, द सेट कैपिटल जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट कैपिटल जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। जैसे लोअर बाउंड के लिए किया है वैसे अपर बाउंड के लिए करिएगा। अगर ये बाउंडेड अबव होगा तो इसका एंडिंग पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। एंडिंग पॉइंट जैसे ही एग्जिस्ट करेगा विच इज़ इक्वल टू स्मॉल ए, इससे बड़े सारे के सारे एलिमेंट अपर बाउंड्स कहलाएंगे, जिसमें लीस्ट ये होगा मतलब सुप्रीमम ए होगा। जैसे ही सुप्रीमम ए होगा ए एग्जिस्ट करेगा जेड में, चूँकि आर्बिटेरी सबसेट का जेड में एग्जिस्ट कर रहा है तो सबका करेगा, और जैसे ही सबका करेगा वो अपने आप ही कंप्लीटनेस की डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम।